आप लोगों का पेपर आज कैसा गया? बहुत बढ़िया, सब बात कैमरे की निगरानी के बीच शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा संवेदनशील केंद्रों पर रही विशेष नजर। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदी वाणिज्य की परीक्षा हुई। प्रदेश में 16 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया। कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। सचल दस्ते परीक्षा केंद्रों की निगरानी करते रहे। प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर कुल 55,25,308 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। नकल विहीन परीक्षा के लिए पहली बार सेंट्रल कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी कराई जा रही है। नकलचियों पर नकेल कसने के लिए तकनीक से केंद्रों को लैस किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही। प्रदेश में जौनपुर, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा को अति संवेदनशील जनपद घोषित किया गया है। परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम पाली में हाई स्कूल की सुबह 8:30 से 11:45 तक और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 से 5:15 तक आयोजित होगी। आप लोगों का पेपर आज कैसा गया? अच्छा, लगभग कितना नंबर आने का संभावना है? बहुत बढ़िया, सब बात। कैसा रहा आज आप लोगों का पेपर? धन्यवाद। ये बताइए, आप लोगों जो आज परीक्षा हुआ तो कैसा गया? लगभग कितने नंबर आने का चांस है? फिर भी कितना आंसर आप लोगों ने अपने हिसाब से किया हुआ है? सही, ठीक। सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी विद्यालय?